इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला को लेकर किया गया था उसी से संबंधित ये खबर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप तमाम दर्शकों से आग्रह है, जो इसको देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें या अपने दोस्तों को कहे कि ये बताए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री के काफिले पर जो कल हमला हुआ था उसको लेकर एक बहुत बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है। सरकार ने पहले तो रांची के एसएसपी और डीसी से शोकॉज किया है और कमिटी बनाई है, पूरी जानकारी आपको देंगे, ताकि एक एक लोग जो उसमें दोषी थे, जो हल्ला हंगामा कर रहे थे, उन सबको गिरफ्त में लाया जाए, कानून के शिकंजे में लाया जाए। इसी से संबंधित ये मामला है और आपको बताएंगे सन्नी क्या इसको लेकर सरकार ने निर्णय लिया, क्योंकि अभी तक हेमंत सोरेन के ना ट्विटर अकाउंट पे ना किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं आया, तो सरकार कोई एक्शन ली है क्या इसको लेकर? अब बिल्कुल देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर जो रांची के किशोरगंज चौक पे कल हमला किया गया था, उस मामले में सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जिसमें दो बड़े अधिकारी को रखा गया है, एक आईएएस और एक आईपीएस, और दोनों को कहा गया है कि जल्द से जल्द पूरे मामले की जांच कर वो रिपोर्ट सौंपे। दूसरी सबसे बड़ी रिपोर्ट किनको सौंपना है, मतलब मुख्य सचिव को या सरकार को? उस चीज का इसमें जिक्र नहीं किया गया है और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के सचिवालय से आया है तो वो मुख्य सचिव को ही रिपोर्ट सौंपना होगा और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपना होगा। दूसरी सबसे अहम बात कि रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा और रांची के डीसी छवि रंजन को शोकॉज किया गया है, यह बताने के लिए कि पूरी घटना कैसे घटी। अभी कुछ ही देर पहले ये मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से यह प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है और कहा गया है कि जिस तरह से रांची के किशोरगंज में जो कल घटना घटी वह घटना कहीं से भी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। और यही वजह है कि आपको याद होगा मनोज जी कि पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि कोई हाई लेवल कमेटी बनी है और उसमें आईएएस और एक आईपीएस को रखा गया है जो पूरे मामले की जांच करे। इसी से समझा जा सकता है कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। जिस तरह से बीजेपी के कई बड़े नेता कल ही सामने आकर कह रहे थे कि ये मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला नहीं है बल्कि लोगों का एक आक्रोश है और आक्रोश जन आक्रोश व्यक्त करने के लिए सड़क पर उतरे थे और उसी दौरान पुलिस जब रोकने के लिए लोगों को आई और उसके बाद ये घटना घटी है। लेकिन अब जिस तरह से सरकार ने निर्णय लिया है कि एक आईएएस और एक आईपीएस ऑफिसर से इस हाई लेवल कमेटी बनाकर इसकी जांच करवाया जाएगा और डीसी और एसएसपी को शोकॉज किया गया है, तो कहा जा सकता है या फिर माना जा सकता है कि कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। देखिएगा, जो मुस्तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि कल देर रात सीएम हाउस में बैठक चलती रही इसको लेकर तमाम चीज़ें, और कई पुलिस कर्मियों को या पदाधिकारियों को चिन्हित किया गया था, लेकिन अब तक अगर सस्पेंशन का आदेश नहीं आता, क्योंकि आमतौर पर देखते हैं कोई भी छोटा या बड़ा क्राइम होता है सबसे पहला मतलब पुलिस पे सस्पेंशन का गाज गिरता है, तो क्या मुख्यमंत्री ये इत्मीनान कर लेना चाहते हैं कि जो जांच कमेटी देगी अगर जांच में दोषी पुलिस वाले होंगे तब उन पे कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा पुलिस वालों पे कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे इस टाइम के लिए वेट कर रही है सरकार या जिले के एसएसपी? देखिए, आज जो सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है उसमें दो अहम निर्णय है आपको समझना होगा। पहला, जो हाई लेवल कमेटी बनाया गया है एक आईएएस और आईपीएस के नेतृत्व में, तो ये दोनों रिपोर्ट सौंपेंगे। दूसरा, जो शोकॉज किया है तो दोनों लिखित रूप से ये देंगे सरकार को कि आखिर ये पूरी घटना कैसे घटी। तो जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है कि दोनों जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, दोनों या नहीं तो फिर रांची के एसएसपी और डीसी के तरफ से जब लिखित रूप से दिया जाएगा सो कुछ बताया जाएगा कि आखिर कैसे कुछ हुआ, उसके बाद जरूर सरकार कुछ मजबूत या फिर कह सकते हैं कि कड़ा निर्णय ले सकती है। एसोसिएशन भी कल सीएम के काफिले को लेकर नाराजगी जताई है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और कहा गया कि जो पूरी घटना घटी वह काफी निंदनीय है और लोगों को मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला नहीं करना चाहिए। और ऐसा करने की वजह दो है पुलिस मेंस एसोसिएशन का सामने, क्योंकि देखिए गाज जब गिरेगा तो उसमें पुलिस के अधिकारी ही नपेंगे, तो उन्हें पहले से इस बात का अंदेशा है और इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इस बात को कहा कि जो दोषी हैं उन्हें पकड़ा जाए। और उन्होंने इस बात को भी कहा कि राह चलते अगर इस तरह से कोई हमला कर देगा तो फिर कैसे पुलिस जो है लोगों की सुरक्षा करेगी, क्योंकि लोगों की सुरक्षा के लिए ही पुलिस रहती है, लेकिन लोगों का हुजूम जमा होकर जब पुलिस पर हमला कर दे तो ऐसी स्थिति बन जाए तो फिर क्या किया जा सकता है? ठीक है, पुलिस मेंस एसोसिएशन के कई अधिकारियों ने मुझसे भी बात की, उन्होंने कहा कि आप इस सिचुएशन को समझिए, और वो चाह रहे थे कि हम अपने चैनल पे ये आम दर्शकों तक पहुंचाएं और खासकर अधिकारियों तक,
कि किशोरगंज चौक एक ऐसा जगह है जहां 500,000 आदमी आम तौर पे खड़े रहते हैं। मुख्यमंत्री का जब काफिला गुजरता है तो उनको बस रोका जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर वहां भीड़ रहती पहले से जमा हुआ तो पुलिस पहले ही एक्शन ले लेती। मुख्यमंत्री का हो सकता मेन रोड से डाइवर्सन होता या भीड़ को हटाया जाता, अचानक से वहां पे लोग आ गए तब पुलिस नहीं समझ पाई। ये उनका तर्क है जो हम आपको बता दिए, लेकिन इसको लेकर राजनीति भी पूरे अपने चरम सीमा पर है। बाबूलाल मरांडी ने कल जो ट्वीट किया और इस घटना की निंदा की, तरीका को उन्होंने कहा कि ये तरीका गलत है क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा की कहीं जगह नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि विरोध सही है क्योंकि लगातार घटनाएं हत्या और बलात्कार के घट रही है, इस पर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, नजरें बचाकर नहीं जाना चाहिए। आज बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं जब बीजेपी में ऑलरेडी प्रस्तावित था नीरा यादव, पूर्व शिक्षा मंत्री का आज कार्यक्रम था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दिया जाता है और बाबूलाल मरांडी को कहा जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप थे, बाबूलाल का कॉन्फिडेंस लेवल क्या था और क्या वो तर्क देना चाह रहे थे, आम लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे थे? देखिए, सीएम के काफिले पे जो हमला जिस तरीके से कल हुआ उसको लेकर के हम लोगों ने कल वहाँ पे लाइव रिपोर्टिंग भी की और एक लाइव डिस्कशन भी हम लोग करके जो है दर्शकों को बताए थे कि क्या कुछ पूरा मामला था। आज जो बाबूलाल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मतलब कि भाजपा विधायक दल के नेता के तौर पे उसको नहीं देख करके आप ऐसे देखिए कि भाजपा ने दो ट्राइबल चेहरों को सामने रखा था। जाहिर सी बात है कि बाबूलाल सबसे बड़े आदिवासी चेहरे आज के डेट में झारखंड बीजेपी में है यहाँ पे। उसके बाद जो रांची की मेयर हैं आशा लकड़ा, वो भी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। और ये जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था बाबा, उसमें बाबूलाल बार बार यह कह रहे थे कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन के ऊपर जो हमला बताया जा रहा है वो हमला नहीं था बल्कि विरोध था, आक्रोश था, और आक्रोश वैसी घटनाओं के विरोध में था जो हेमंत सोरेन के सत्ता में आने के बाद से लगातार घट रही है, चाहे वो बलात्कार की घटनाएं हों या फिर हत्या की घटनाएं हों या फिर नक्सल घटनाएं हों। और जो अब ये जो कल की जो घटना हुई उसको लेकर के वो और मांझी की घटना का जिक्र कर रहे थे कि वो एक वजह बनी कि जिसको जो कि लोगों को जो है जल्दी से जो है आक्रोशित कर दिया। लेकिन जब उनसे सवाल हम लोग जब पूछ रहे थे, द फॉलोअप की टीम ने जब सवाल किया कि क्या ठीक है मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे आपका ये काम है कि आप सरकार को सवाल करें, सरकार पे गुस्सा भी जाहिर करें, लेकिन ये जो तरीका था विरोध का क्या वो सही था, या फिर आप मानते हैं कि इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन वो बीजेपी के कार्यकर्ता की संलिप्तता की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई, हम बात कर रहे हैं क्या कुछ हेमंत सोरेन को लेकर। बिल्कुल, देखिए अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब प्रोजेक्ट बिल्डिंग से निकलकर अपने आवास जा रहे थे तो उन्होंने मीडिया के समक्ष ये बयान दिया और उन्होंने कहा कि जब वो प्रोजेक्ट बिल्डिंग से कल यानी कि जब हमला हुआ, हमले के दिन उनके काफिले पर वो प्रोजेक्ट बिल्डिंग से निकल कर जब घर जा रहे थे तो उन्हें कुछ पता नहीं चला क्योंकि जो आगे आगे गाड़ी चल रही थी उसको रोका गया, उसमें तोड़फोड़ की गई। और मुझे जब मैं घर पहुंचा, मुख्यमंत्री आवास मतलब आवास जब पहुंचा तब मुझे पता चला कि किशोरगंज चौक पर पहले से कुछ लोग घात लगाकर बैठे हुए थे हमला करने के लिए। तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री यदि कहे कि पहले से कोई लोग घात लगाकर बैठे थे तो ये मुझे लगता है कि अब बहुत बड़ा बयान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है और उन्होंने ये साफ कर दिया है जिस तरह से सुबह डीजीपी ने भी कहा था। एग्जैक्ट यही शब्द मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, अगर आप चाहें तो हमारे दर्शकों को कुछ ऑडियो अगर सुना सकते हैं उनका। बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जब प्रोजेक्ट बिल्डिंग से निकल कर घर जा रहा था तो उस घर पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि ये मुख्यमंत्री का है। मुझे रास्ते दिखाने के लिए लोग आगे रहते हैं, इधर इधर वो गए, उधर उधर हम भी चले गए और मैं अपने घर पहुंच गया। और घर पहुंचने के बाद मुझे ये इसकी जानकारी मिली कि कुछ लोग बहुत मतलब कहते हैं घात लगा करके मेरे इंतजार में बैठे थे और जब उनका ये प्रयास सफल नहीं हो पाया तब ये लोग उपद्रव करने की
कार्यों में लग गए और अगर इस तरीके की हरकतें हैं तो प्रशासन पूरी गंभीरता से इसको लेगा और जो भी लोग होंगे कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। देखिए, अगर मुख्यमंत्री ये मान रहे हैं कि इनको जो ब्रीफ किया गया है कि ये पूरी तरीके से प्लान था और सीएम को टारगेट किया गया था, वो कह रहे हैं कि जब उपद्रवी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए तब हंगामा बरपा, मतलब मुख्यमंत्री ये मान रहे हैं पूरी तरीके से। अब बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री का जो बयान है इससे ये तो साफ है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी समझ रहे हैं कि ये साजिश के तहत किया गया है। उनसे दूसरा सवाल ये पूछा गया कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि इसमें बीजेपी के लोग शामिल थे, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि रांची बहुत बड़ा शहर नहीं है, हर कोई एक दूसरे को चेहरे से पहचानता है और कौन किसके लिए काम करता है, कौन किसका आदमी है, कौन किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, ये बहुत स्पष्ट है। तो स्पष्ट तौर पे मुख्यमंत्री ने भले ही बीजेपी का नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने इशारों में कह दिया कि इस पूरे मामले की जांच जो है गहनता से की जा रही है और कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, प्रशासन किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कानून किसी दल या पार्टी के लिए काम नहीं करती है और इस मामले में जिसकी भी संलिप्तता होगी उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो कहा जा सकता है कि एक तो पहले जिस तरह से सोको जारी किया गया रांची के SSP और TC को, और दो एक IS और एक IPS के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी बनाई गई, और तीसरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान कि घात लगाकर पहले से लोग बैठे हुए थे और वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। तो देखिए, हम लोग जब पत्रकारिता में खबर लिखते हैं तो ये घात लगाकर बैठे, मतलब जब नक्सली घटनाएं होती है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, एम्बुश लगा के। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो हो सकता है कि अब इस घटना को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी भुनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री के मन में सचमुच में इस घटना के बाद गुस्सा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अब तो प्रशासन जांच करेगी, कल रात से लगातार छापेमारी जारी है और जो मुझतक इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि 35 से 38 लोगों को उठा भी लिया है। कई लोग आज पहुंचे भी थे और कई लोगों ने टेलीफोन किया कि जो मतलब उठाए गए हैं उनको कहां रखा गया है ये भी उनको पता नहीं, मतलब किस थाने में है उनको अभी बैठा या ये जो सवाल है, भले ही मुख्यमंत्री ये नहीं बोल रहे हों कि जो लोग कल हंगामा कर रहे थे वो बीजेपी के हों, लेकिन बीजेपी ने आज ये स्पष्ट कर दिया है। खुद बाबूलाल मरांडी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस दौरान उन्होंने कहा कि जो पुलिस जिन लोगों को उठा रही है और जिन लोगों को टारगेट कर रही है वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये स्पष्ट है कि प्रशासन या फिर सरकार में जो बैठे लोग हैं या खुद मुख्यमंत्री, उनको पता है या फिर उनके मन में है कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे जो वहां पे विरोध कर रहे थे, उनके काफिले को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा लग रहा था कि वो बाबूलाल इस बात को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटेंशनली नहीं किया गया था, ये हो गया। ऐसा क्यों? दो चीज है बाबा, कल जब बयान आया बाबूलाल मरांडी का, बाबूलाल मरांडी ने सबसे पहले तो इस घटना की एक तरीके से निंदा की, उसके बाद प्रशासन पे सवाल उठाए कि राजधानी रांची में इस तरीके से कैसे घटना घट सकती है जबकि मुख्यमंत्री का जो भी विजिट होता है प्रोजेक्ट से अब मुख्यमंत्री आवास तक जाने का जो भी रोड मैप होता है वो पहले प्रशासन को पता रहता है। उस जबकि कल ही दीपक प्रकाश जो झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को कहा कि हमला और आंदोलन में फर्क होता है मुख्यमंत्री जी, जो उनका ट्वीट का जो पहला सेंटेंस था, तो वो इस हमले को आंदोलन का रूप देना चाह रहे थे। तो झारखंड बीजेपी और बाबूलाल का बयान में कल तक फर्क था लेकिन आज जब बाबूलाल भाजपा मुख्यालय पहुंचे झारखंड बीजेपी के कार्यालय में तो वहां पे ना केवल इस घटना को वो जायज ठहराने की वकालत करते देखे बल्कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पे हुए हमले को, मुख्यमंत्री के काफिले पे हुए हमले को झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर सरकार में जो और भी जो सहयोगी पार्टियां हैं, कांग्रेस या फिर RJD या फिर और भी जो सरकार समर्थित जो दल हैं, वो लोग जिस तरीके से इसको आदिवासियत से जोड़ करके जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे थे कि आदिवासी मुख्यमंत्री हैं इसलिए इस तरीके से हमला किया गया है, तो इसको लेकर के भी जो है बीजेपी ने दो आदिवासी चेहरे जो कि पहले भी हम आपको बता रहे थे कि बाबूलाल मरांडी और आशा लकड़ा जो यहां रांची की मेयर हैं, तो उन लोगों को सामने रख करके बार बार वहां से बताया जा रहा था कि आदिवासियत जैसा कुछ नहीं है, आप मुख्यमंत्री के ऊपर अगर लोग सवाल कर रहा है तो मुख्यमंत्री का विरोध जो है आदिवासियत का विरोध नहीं है,
वो सिस्टम का विरोध है। तो बार बार बीजेपी ये बोलने का प्रयास कर रही थी, तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि बीजेपी जो है इस पूरे जो कल की घटनाक्रम है उससे बैकफुट पर दिख जाती हुई अपने आप को दिखलाना भी नहीं चाहती है, क्योंकि लगातार बीजेपी सीएम के काफिले के हमले को दरकिनार करके जो है बीजेपी आज भी दुष्कर्म की घटनाएं, हत्या जैसी जो घटनाएं हो रही है राज्य में, उसको सामने रख कर सरकार पे हमला कर रही है। और कल इसको लेकर के कार्यक्रम भी बीजेपी जो है पूरे जिला मुख्यालय पे, जिला मुख्यालय में कार्यक्रम, आज एससी मोर्चा का पूरा धरना था, आप वहां पे जा रहे थे, बार बार वहां पे मैं वहां से क्रॉस कर रहा था, तो ये समझाने की कोशिश हो रही थी धरना में जो नेता भाषण दे रहे थे कि जो बलात्कार हुआ है सबसे ज्यादा एसटी एससी का, क्या कुछ आंकड़ा वो लोग पेश कर रहे थे। देखिए, एक तो ये बात समझने की जरूरत है कि जिस तरह से भाजपा का जो स्टैंड पूरे मामले पे रहा है, पूरे मसले पे रहा है, वह बहुत ही अलग देखने को मिला। मतलब जब भी मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले की बात हो रही है तब भाजपा राग अलाप रही है बलात्कार का, कि सबसे पहले वो ये बताना चाहिए कि किस तरह से सरकार कई मोर्चे पर विफल रही है ताकि जो हमला हुआ है उनके उसको जन आक्रोश बताए, हाँ, ताकि शिफ्ट किया जाए, बताया जाए कि ये आम पब्लिक का गुस्सा था जो देखने को मिला। आज चूंकि एसटी मोर्चा का जो आंदोलन वहाँ पे चल रहा था, धरना जो वहाँ पे था, वहाँ पे अमर बावरी भी पहुंचे थे, अब उनसे बातचीत के क्रम में मैंने उनसे यह सवाल भी पूछा कि इसे कैसे देखते हैं आप, जो हमला उन पर हुआ है। तो मुझे भाजपा की का जो बयान आया है जो इसके पहले देखने को मिला, उससे थोड़ा इतर बयान मुझे लगा कि बावरी जी दे रहे थे। उनका स्पष्ट तौर पे कहना था कि यह बयान, ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है, और लेकिन फिर वही है कि जिस तरह से प्रशासन पर सवाल उठाया जा रहा है भाजपा की तरफ से, हमले को तो अब कोई भी जायज नहीं ठहरा रहा है, चाहे वो बीजेपी के बाबूलाल मरांडी हो चाहे अमर बावरी हो, कि इस तरीके से हमला नहीं किया। हाँ, ये बात तो है, लेकिन फिर वही है कि सबका जो सवाल है प्रशासन की तरफ जा रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ, डीजीपी ने क्या कहा, वो बहुत सुर्खियों में रहा, सबसे ज्यादा हमारा साइट पे लोग वही पढ़ रहे थे। मुख्यमंत्री और जैसे सनी बता रहे थे कि मुख्यमंत्री का जो बयान है या फिर डीजीपी का जो बयान है वो काफ़ी जो है गंभीर बातें हैं। डीजीपी ने भी आज बड़ा सख्त लहजे में इस तरीके के जो कार्यक्रम में जो शामिल लोग थे उनको चेताया भी है, और बाकायदा आयरन हैंड का इस्तेमाल करने की बात कही है। इस तरीके की बातचीत जो है आप नहीं देखते हैं, जब आप एक तरीके से बातचीत करते हैं बेहतर पुलिसिंग की और इन सब चीज़ों की, तो डीजीपी की तरफ से जो बयान आया है वो काफ़ी सख्त है। और इसके बाद अब प्रशासन की क्या भूमिका होगी, हालांकि प्रशासन की भूमिका कल बीती रात से जिस तरीके से हो रही है और जिसको लेकर के बीजेपी में भी कुलबुलाहट है, अब आपने खुद बताया कि नीरा यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस था लेकिन बाबूलाल मरांडी सबको आना पड़ा, और बाबूलाल मरांडी को आकर के सिर्फ इसका खंडन नहीं करना पड़ा, बकायदा एक्सेप्ट करना पड़ा कि वैसे लोगों को टारगेट कर रही है सरकार और प्रशासन जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो बीजेपी वो कह रहे थे कि उपद्रवियों को तलाशे पुलिस, उसमें कहां किसी, मुझे लगता है डीजीपी का जो बयान है उस बयान को कल रात में जो कार्रवाई हुई है पुलिस की उसे जोड़कर देखा जाना चाहिए। बहुत सख्त बयान भी आया है, बहुत सख्त कार्रवाई भी हुई है, कई लोगों को उठाया गया है, और चूंकि अब जब मुख्यमंत्री का बयान इस तरह से आया जिसमें शायद वो इशारा भाजपा की तरफ कर रहे हैं जबकि नकार नहीं रहे हैं, ये भाजपा द्वारा सुनियोजित है, और अब मुख्यमंत्री भी उसी तरह बात कर रहे हैं, इसलिए डीजीपी जो बात कह रहे हैं और जिस तरह कार्रवाई कर रात में हुई है, जिस तरह उठाया गया है, तो शायद ये बात है कि भाजयुमों के लोगों को या बाकी लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, मतलब अब ये देखना होगा कि जो पुलिस प्रशासन कल रात से लोगों को उठाई है संदिग्ध को, क्योंकि जब तक वो गिरफ्तारी सो नहीं करेंगे कह सकते संदिग्ध, 24 घंटे तो रख ही सकती है पुलिस, तो उनका किनका किनका नाम FIR में देते, कितना नेम्ड FIR होता है, कितना अननोन नेम्ड FIR होता है, क्या सन्नी अभी जो हाई लेवल कमेटी आप बता रहे थे, पहले एक बार फिर से दर्शकों को बताइए कि सरकार ने कल के सीएम के काफिले पर जो हुआ हमला उसको लेकर क्या निर्णय लिए, फिर आपसे अगला सवाल। अब बिल्कुल देखिए, अभी तो मैं बता रहा था कि दो बड़ा अपडेट है लेकिन तीन बड़ा अपडेट यही है। एक तो यही कि हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जिसमें कि दो IAS को रखा गया है जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर सोमवार करीब शाम के 6 बजे रांची के किशोरगंज चौक पे जो हमला हुआ उस मामले की जांच करेंगे और ये जांच तुरंत करके ये रिपोर्ट सौंपेंगे। दूसरा रांची के ये कोई डेडलाइन नहीं दिया गया है और दो ही मेंबर हैं इसलिए अध्यक्षता नहीं शायद किया गया है और इसमें क्लियर अभी नहीं किया गया है। दूसरा रांची के DC और SSP को सोकौज किया गया है और तीसरा जो मैं बता रहा था वो हेमंत सोरेन का बयान है जिन्होंने साफ तौर पे ये स्वीकारा कि कुछ लोग घात लगाकर थे लेकिन वो मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए, घात लगाकर थे मुझ पर हमला करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा बयान है कि अगर किसी राज्य का मुखिया
मुख्यमंत्री वो कहे कि हम पर हमला करने के लिए घात लगाकर लोग बैठे हुए थे लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए, तो समझा जा सकता है कि आखिर क्या कुछ कानून व्यवस्था की भी स्थिति है। और इसी बात को लेकर बीजेपी जो है सवाल भी खड़ा करती रही है। लेकिन जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है मनोज, इसको लेकर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान, दोनों को जब मिलाइएगा तो लगेगा कि रांची पुलिस को दोनों बचा रहे हैं, और जबकि सवाल भी सबसे ज़्यादा उसी पर उठ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वो तो ये अच्छा रहा कि रांची पुलिस ने तुरंत डायवर्ट किया और मुझे दूसरे रास्ते से ले गया, एक बचाव हो गया। दूसरा, और यही प्रेस रिलीज में भी इस बात का भी जिक्र है कि रांची पुलिस ने सूझबूझ दिखाया और रास्ता डायवर्ट करके उन्हें घर तो ऐसा भी कर सकते हैं कि रांची पुलिस के पास उस समय आर्म्स थे, फायरिंग नहीं किया, और पुलिस कह रही है बार बार कि हम लाठी ने चार्ज नहीं किए, पर वहां लोग कह रहे हैं कि नहीं लाठी। सनी जो कह रहे हैं इस बात से मैं भी सहमत रखता हूं कि जिस तरह मुख्यमंत्री और उनके तरफ जो प्रेस रिलीज जारी किया गया दोनों में, जबकि विपक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहा है पुलिस पर, प्रशासन पर, लेकिन अच्छा अब एक सवाल होता है कि जिस कारण ये पूरी घटना हुई और जिसको बताया जा रहा है उरमान जी की घटना और लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, उरमान जी में क्या अपडेट है, क्या कर रही है पुलिस, क्या बॉडी वो धड़ मिल सर मिल पाया? बिल्कुल, देखिए रविवार दोपहर ये खबर आई हम लोगों तक कि सिर कटी हुई लाश नग्न अवस्था में मिली है उरमान जी के जंगल में, और आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये मंगलवार रात के 10 बज रहे हैं और अभी तक युवती का सिर जो है नहीं बरामद हो पाया है, और कल तक यानी कि सोमवार आज कोई बड़े अधिकारी गए थे घटनास्थल पे? बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ कि कल सोमवार तक जब सिर नहीं मिल पाई थी लड़की की तो पुलिस ने 25,000 रुपये का इनाम की घोषणा की थी। आज घटनास्थल पर जैसा कि आपने पूछा ये DIG गए थे अखिलेश झा, और उन्होंने पूरे जंगल का निरीक्षण किया और जानने की कोशिश की कि आखिर कैसे पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। और उसी घटनास्थल पर DIG ने यह ऐलान किया कि जो कोई भी इस पूरे घटनाक्रम का सुराग या फिर लड़की की पहचान करेगा उसे 50,000 रुपये की राशि जो है पुरस्कार के। क्या पुलिस इस अवस्था में है घटना के इतने घंटे बाद कि झारखंड में कहां कहां लड़कियों को लेकर 20 साल की उम्र की लड़कियों को लेकर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुआ है, ऐसा कुछ पुलिस की तरफ से बयान आया? देखिए सबसे पहले जिस दिन घटना घटी यानी कि सोमवार को जब सब बरामद हुआ तो सबसे पहले तो रांची पुलिस ने रांची के जितने भी थाने हैं सभी इंस्पेक्टर से संपर्क किया गया और उनको कहा गया कि उनके थाने में जो भी गुमशुदगी के मामले दर्ज हैं उसे खंगाले और देखे कि कहाँ से लड़कियाँ गायब है। तो जैसा कि ग्रामीण SP नौशाद आलम ने जानकारी दी उसके अनुसार डोरंडा से एक लड़की गायब थी, चूटिया से एक लड़की गायब थी, एक लड़की और कहीं से गायब थी। लोगों का उम्र क्या होगा? उम्र के बारे में तो जानकारी नहीं दिए लेकिन उन्होंने कहा कि तीनों जगह की लड़की मिल गई, कोई किसी रिश्तेदार के घर चली गई थी, कोई कहीं दोस्त के यहाँ थी, लेकिन तीनों का मिल गया लोकेशन अच्छा। कि वो कहाँ पर है। तो इसलिए रांची पुलिस ने जब रांची जिला में ये छानबीन कर ली उसके बाद आसपास के जिला के पुलिस कप्तान से रांची पुलिस ने संपर्क साधा है, क्योंकि जो घटनास्थल है उरमान जी वो रामगढ़ से सटा हुआ इलाका है, तो रामगढ़ इधर गुमला सिमडेगा खूंटी जो आसपास के जिले हैं जहाँ के लोग रांची या तो घूमने आ सकते हैं या फिर पिकनिक मनाने आ सकते हैं, उन जिलों से पुलिस संपर्क साध रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि क्या उनके जिले में कोई गुमशुदगी का मामला दर्ज है या फिर नहीं। कल जिस तरह से रांची पुलिस ने एक विज्ञप्ति जारी की थी उसमें बाकायदा लड़की का एक हुलिया बताया गया था कि गेहुआ कलर की कलर है, लड़की का रंग जो है गेहुआ है, करीब 5 फीट उसकी लंबाई है, पैर में और हाथ में जो काले रंग का धागा बांधा हुआ है। हालांकि जब तक चेहरा नहीं मिल पाता, सिर नहीं मिल पाएगा, तब तक बहुत कुछ रांची पुलिस के करने के लायक भी नहीं है। तो क्या हम पहचान हो जाए और उसके बाद हो सकता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ ज़्यादा तेजी हो, क्योंकि बहुत सक्षम भी नहीं है रांची पुलिस। यदि बूटी में जो घटना घटी थी उसकी तुलना की जाए, मनोज आपको याद होगा हाँ, वो उसके बाद फिर वहाँ पर सब कुछ पता था कि लड़की कहाँ की रहने वाली है, CBI को जांच के हवाले कौन कौन लोग वहाँ पर आते हैं, उस भी अब तब जब मामला का पर्दाफाश तब हुआ जब रांची में वो व्यक्ति दिल्ली में वो व्यक्ति पकड़ा गया और उसके DNA का मिलान किया गया तो फिर पकड़ा गया। तो अब इस मामले में कैसे, चूंकि पुलिस के पास कोई अच्छा एक बात बता दे, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस ने सार्वजनिक किया, प्रेस वालों को बताया कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है मामला, ऐसा कुछ बताया पुलिस ने? देखिए आज DGP MV राव ने बयान देते हुए कहा कि अब तक रेप की पुष्टि नहीं हुई है,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कहीं कोई जिक्र नहीं है। कल हम लोगों ने प्रयास किया था तो रिम्स से पता चला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में 7 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन क्राइम के मामले हम बहुत पहले से देखते आए हैं, 1 दिन बाद ही पता चल जाता है, ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल। लेकिन इस बार शायद थोड़ी कड़ाई बरती गई है और कहा गया है कि मीडिया में रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए, तो अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये मानकर चला जाए कि जो पुलिस है अपना अपडेट कल देगी, सीएम के काफिले पर जो हमला हुआ उसमें जितने लोगों को पकड़ा गया अगर गिरफ्तार दिखाएंगे तो वो मीडिया के सामने लाएंगे या जेल भेजेंगी, या फिर उधर जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके बारे में कुछ मीडिया वालों को बताएगी कि हम इतना दूर तक पहुँच गए। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब आज बता रहे थे कि उनके काफिले पर किस तरह से हमला हुआ, तो उनसे आखिरी सवाल यही पूछा गया था कि जो ओरमांझी में बलात्कार की घटना घटी है उस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ, क्योंकि मामला तो उसी से शुरुआत हुआ है और उसी को लेकर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वह कोई भी खबर नहीं छुपाना चाहते और वो चाहते भी नहीं है कि कोई खबर छुपे, और यही वजह है कि सभी खबरें निकलकर सामने आ रही है। और उन्होंने कहा कि पुलिस इसमें काम कर रही है और जैसे ही कुछ जानकारी इसमें हासिल होगी तो जानकारी दी जाएगी। यानी कोई ठोस बात बताने के लिए न मुख्यमंत्री के पास है, न झारखंड के डीजीपी के पास है, न रांची पुलिस के। ठीक है, अब एक बात बताइए, बीजेपी इसको लेकर कल जो धरना प्रदर्शन आप कार्यक्रम बता रहे हैं, कह रहे हैं कि और आगे जाएंगे अगर मामला नहीं रहेगा, तो क्या इसका पॉलिटिकल गेन माइलेज लेना चाहती है बीजेपी? देखिए, बिल्कुल, बीजेपी लगातार कल से ही ये कोशिश कर रही है, और बीजेपी अगर सीएम के काफिले पे जिस तरीके से हमला हुआ, मतलब रोकने की कोशिश हुई, अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो सरकार को लगातार बीजेपी दुष्कर्म की घटनाएं या फिर हत्या की घटनाओं को लेकर के जो है लगातार घेरने में लगी है और हमलावर भी है। लेकिन चूंकि अब मसला ये काफ़ी हाई लेवल का हो गया है, चूँकि मुख्यमंत्री के काफिला का घेराव या फिर जो हमला हुआ उसके बाद से जो है अब काफ़ी कुछ मामला ये बढ़ गया है, तो ऐसे में बीजेपी में भी हमलावर है। और कल का जो कार्यक्रम है वो उसको आप उसी कड़ी में देखिए कि जिस तरीके से बीते 2-3 दिनों से जो है बीजेपी का अलग अलग विंग कार्यक्रम कर रहा था, अब कल पूरे जिला मुख्यालय में जो है हर जगह जो है बीजेपी के नेता मौजूद रहेंगे और आंकड़ा गिनवाएंगे कि एक साल में कितनी बलात्कार की घटनाएं हुई है, और ये जो आदिवासी मुख्यमंत्री का जो एक आधार बना करके जेएमएम कांग्रेस और राजद जो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही थी, तो बीजेपी ने एक कार्ड ढूंढा है कि जितनी भी अब तक रिपोर्ट दर्ज हुई है बलात्कार की घटनाओं को लेकर के, खास करके उसमें सबसे ज़्यादा जो बलात्कार की घटनाएँ हैं वो आदिवासी समाज में घटी है, तो उसको लेकर के भी जो है आंकड़ा ये लोग जिला वाइज जो है ये लोग सब जारी कर सकते हैं, क्योंकि आज भाजपा मुख्यालय में इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब आंकड़ा दिया गया है, तो उससे ये स्पष्ट होता है कि बीजेपी जो है इन चीज़ों को लेकर के आगे भी सरकार पे हमलावर। ठीक है, एक सवाल है मेरा ऐसी जहन में उठा, आपसे पूछ लेते हैं, ये कल के हमला और जो क्राइम हो रहा है, आसू पार्टी भी विपक्ष में है, आसू पार्टी ने गिनाया 29 तारीख को लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है, लेकिन अगर ये कहे तो ये सिर्फ लड़ाई जेएमएम वर्सेस बीजेपी हो गई है। कल के बयान को देखे, कांग्रेस ने निंदा कर दिया, अपना काम खत्म, आरजेडी ने निंदा कर दिया, अपना काम खत्म, आसू कहाँ है, वेयर इज आसू, इसका पता ही नहीं चल पा रहा है। आसू बंगाल में है और तो मतलब जो मुखिया है सुदेश महतो, और काफी अगर लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार में अगर विपक्ष कह रहा है कि खराब है तो विपक्ष के लिए खराब होगा ना, सिर्फ बाबूलाल सिर्फ बीजेपी के लिए खराब तो नहीं हो सकता। और विपक्ष के तौर पे तो आज अगर झारखंड में कोई है बाबा तो वो मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ही है। आजसू का जहां तक रोल है, आजसू के नेता कभी कभी बयान अपना देते हैं, सुदेश महतो जब घर से निकलते हैं तो उनको अगर कुछ लगता है कि बोलना है तो उस तरीके से बोलते हैं, अभी वो बंगाल में है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको बंगाल में अपना किस्मत आजमा रहे हैं, बंगाल में चुनाव होना है, इसको लेकर के अभी तक तो मेरे पास खास करके कोई बयान नहीं। कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं समझ में आ रहा कि कांग्रेस क्या करेगी, और आरजेडी खास स्टैंड नहीं है, और आरजेडी में उसी पर आ ही रहा था। मुझे लगता है कि देखिए बीजेपी जिस तरह आप हमें सब आरजेडी के लोग आज गए थे वहां पे, और मांझी का जो घटना स्थल है वहां पे लोग गए थे आज, राधा कृष्ण किशोर गए थे, और बाकी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ही एक प्रतिनिधिमंडल वहां पर गया था, और उन्होंने निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री या सरकार से मांग की है कि ऐसे मामलों के लिए एक निर्भया फंड बनाया जाए, ताकि जिसका तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, हाँ, कि हर राज्यों को बनाना है निर्भया, और उसकी मांग जो है आरजेडी ने उठाई है, और जो घटना स्थल है उसके आसपास के इलाकों में आरजेडी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो पूरी तरह से घुमा है, और
हो सकता है कि इसको लेकर सरकार से मिले और सरकार से मांग। आप इसमें भाजपा जो है सीधे, चूंकि जो हमला हुआ है काफिले पर, उसमें भाजपा इधर जुड़ रही है, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, इसलिए भाजपा की मजबूरी भी है कि वो फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करेगी ही करेगी। और इसीलिए ये दिखने को मिल रहा है, भले ही बाकी विपक्षी पार्टियां भी हो या ना हो, लेकिन जिस मजबूती के साथ भाजपा इसमें खड़ी हो रही है, आंदोलन करने की बात कर रही है, तमाम चीजें कह रही है, वो सिर्फ इसलिए है ताकि वो आगे, क्योंकि भाजपा हमेशा शुरू से ही फ्रंट फुट बैटिंग करना चाहती है और उसी का नतीजा, क्योंकि उनका नाम जुड़ रहा है, ये चाह रहे हैं कि मैं उससे पहले कि बाकी चीजें हम पर आए, हम उन पर चार सवाल खड़े करें। ठीक है, तो आज का यही रहा पूरा जो चर्चा का विषय था, आपको समझ में भी आया होगा। बाकी आप अपने सवाल लिख सकते हैं, क्योंकि कल हम फिर आएंगे और कल जो भी इसको लेकर पुलिस के तरफ से क्या कुछ बयान आता है या सीएम के तरफ से, या वो तमाम चीजें भी दिखाएंगे, बीजेपी का जो धरना प्रदर्शन होगा हर जिले में, उनका क्या रिएक्शन होता है, वो सब भी सारी चीजें आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिए।